आई होप यू डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ मेरा क्लब फैक्ट्री का हॉल वीडियो। क्लब फैक्ट्री के अब तक मैंने कुछ 5 वीडियोस कर चुकी हूँ, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। और एक अच्छी बात यह है कि मैंने सारे वीडियोस की ना प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो सारे कैटेगरी वाइज डिवाइड है, लाइक क्लब फैक्ट्री के, बिग बाज़ार के, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस, DIY, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुकिंग वीडियोस, व्लॉग वीडियोस, तो इन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और सारी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लीव कर दूंगी, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रीवियस वाले क्लब फैक्ट्री वाले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे क्लब फैक्ट्री के वीडियोस दिख जाएंगे। और आज फिर से मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरा क्लब फैक्ट्री का हॉल। क्लब फैक्ट्री का पैकेजिंग काफ़ी चेंज हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ब्लू कलर का आता था, अब ये रेड कलर का आता है। एज यूजुअल मैंने इसको ओपन कर दिया है क्योंकि पेशेंस नाम की चीज़ मेरे में भगवान ने थोड़ा डालना भूल गए थे। एनीवेज गाइस, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या है। और इस बार मैंने जो चीज़ें मंगाई है ना, ज़्यादातर मैंने स्टेशनरी रिलेटेड और ऐसे कुछ मिक्सअप मंगाई है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है जैसे मैंने प्रीवियसली किया था वॉचेस का या फिर ज्वेलरी का, ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ फिक्स्ड, सब रैंडम है। तो अगर गाइस आप इंटरेस्टेड है इसके अंदर क्या क्या है देखने में, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। यूजुअल मैंने पैकेट में से बाहर निकाले क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो चलो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें तो ओपन नहीं की है बट कुछ चीज़ें ओपन कर दी हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में आ रहा है वो है ये सबसे बड़ा, जो कि है एक फेस मसाजर, और ये फेस अप रोलर। मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में और बहुत सारे लोगों को देखा है इसको यूज़ करते हुए, तो आई थॉट कि मैंने भी इसको ट्राई करना चाहिए। इससे अच्छे से मसाज भी होता है आपका फेस का। और इसका क्या लिखा है ये पढ़ के भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं हम। तो ये ऐसा है और इसमें लिखा है इट स्माइल्स नेचुरली व्हेन देयर इज़ अ फ्लावर, इट इज़ पॉसिबल टू रिलैक्स बाय यूजिंग अ लवली टूल। तो इसको कुछ ऐसे पकड़ के आई गेस, ओ वाओ अच्छा लग रहा है, नाइस, गुड, अच्छी कोई क्रीम व्रीम लगा के, बट वो प्रेशर नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाला प्रेशर नहीं आ रहा है, बट अच्छा लग रहा है। तो ये है फ्लावर वाला, और इनकी जो प्राइस है वो मैं यहाँ लिखते जाऊँगी तो आप उनको चेक कर सकते हो, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। तो ये है फेस रोलर, इसको यूज़ करने के बाद अच्छे से कैसा है कैसा नहीं है मैं कोई ना कोई एक वीडियो में आपको बता दूँगी। और ये सब चिंग चैंग चुंग चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, बट सिर्फ इंग्लिश में एक चीज़ लिखी हुई है, फ्लावर फेस अप रोलर, दैट्स इट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर का है और बाकी पूरा येलो कलर का है, तो ये चीज़ ली है। नेक्स्ट इज़ दिस बिग बैग, नॉट बिग बैग बट बैग, और ये बैग मैंने लिया है ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए, बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत क्यूट लगता है, इसे आप पीछे ऐसे यू नो ऐसे पीछे लेकर, आई मीन दोनों हाथों में ऐसे डाल के आप इसको ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो। और ये ब्लैक कलर में है, मुझे लगा कि लेदर होगा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ लेदर, बट पता नहीं मैंने शायद डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं, ये इसे क्या कहते हैं, रेक्सिन कहते हैं या ये वो मटेरियल है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर की चेन दी है इसमें, पीछे दो बेल्ट्स है इसको हैंग करने के लिए और एक ये टॉप में पकड़ने के लिए भी है। और अंदर से इसको ओपन करके देखेंगे तो अंदर भी अच्छे खासे कंपार्टमेंट है, यू कैन स्टोर लॉट ऑफ स्टफ इनसाइड दिस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो आप अपना इसमें खाने पीने का सामान, अच्छा खासा डीप भी है और अच्छा खासा बड़ा भी है ये, तो आप अपने अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट, टिकट्स, व्हाटएवर यू वांट यू कैन कीप। और ये सामने भी कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, और साइड में भी कंपार्टमेंट दिया हुआ है,
तो काफ़ी स्पेशियस है बैग, आई रियली लाइक इट। और ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, हैंडी हो जाता है व्हेन यू ट्रैवलिंग। तो वो ऐसे वाला हैंड बैग लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपका लगेज होता है आपके पास, और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ऑलरेडी मेरे हाथ में 2-3 सामान रहता है और पीछे का तो और एक अलग सा लगेज तो रहता ही है, बट हाथ में और 2-3 चीज़ें रहती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर मेरे जैसे लोगों के लिए कि यू नो ऐसे पीछे ही रहे। तो ये बैग है, बहुत ही प्यारा है, नाइस, आई लाइक इट, बट आई विश ये थोड़ा लेदर में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट एनी वेज इट्स ओके, वाटर प्रूफ है, अच्छा है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस नोटबुक, इट्स अ नोटबुक काइंड, मतलब पूरी नोटबुक भी नहीं है, एक छोटी सी बुक है और बहुत ही प्यारी है, ब्राउन कलर का है कवर इसका, रेडिश ब्राउन यू कैन से। और आई लव टू कलेक्ट स्टेशनरीज अ लॉट, मुझे स्टेशनरी कलेक्ट करना बहुत पसंद है। यहाँ पे क्यूट सा एक फ्लावर बना हुआ है और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपकी जो नोटबुक है वो पूरी हैंडबुक हैंडमेड है, ये कुछ ऐसी दिखती है, पूरे हैंडमेड पेजेस है विच आई रियली लाइक। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अगेन चाइनीज़ में कुछ कुछ लिखा हुआ है वो मेरे दिमाग के बाहर है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस बनी हुई है, आप इम्पोर्टेंट नोट्स लिख सकते हो या फिर आप अपना ड्रीम बोर्ड बनाना चाहते हो तो ड्रीम बुक टाइप इसको बना सकते हो, वट एवर इट मे बी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, आई कीप कलेक्टिंग, तो ये मैंने एक लिया और इसको आप ऐसे सिक्योर करके भी रख सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ अगेन अ छोटा सा बुक, मतलब डायरी, ये एक डायरी जो होती है ना छोटी सी हमेशा हमारे बैग में होनी चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो उसके लिए काफ़ी हैंडी हो जाती है। तो ये बहुत ही प्यारी गोल्डन कलर की है, बाहर से ग्लिटरी गोल्डन कलर, और व्हेन यू ओपन इट फ्रॉम इनसाइड ये नॉर्मल डायरी है छोटी सी, तो इट गेट्स रियली वेरी हैंडी। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आई ऑलवेज कीप वन डायरी इनसाइड माय बैग, वन पेन एंड वन डायरी, तो बड़ी वाली रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर ये छोटी वाली रही तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, एंड इट्स लुकिंग सो नाइस, और काफ़ी सस्ती भी थी। देन आई हैव अदर प्रोडक्ट इज़ दिस, और ये जो है ये है स्टिकी नोट्स, आई लव टू कलेक्ट स्टिकी नोट्स, मुझे प्लानर डेकोरेट करना बहुत पसंद है, मुझे कुछ कुछ चीज़ें लिख के हर जगह ऐसे चिपकाना बहुत पसंद है, तो ये है स्टिकी नोट्स जो कि बहुत प्यारी लग रही है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं और कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो ये स्टिकी नोट्स मैंने लिए। देन मैंने एक और चीज़ ली, as you all know, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लब फैक्ट्री हॉल वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं थोड़ी सी अजीब चीज़ें मंगाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इस बार फिर से कुछ तो भी अपने फेस के लिए मंगाया, और वो है ये जापनीज़ बैंड, ये एक जापनीज़ बैंड है, इससे फेस लिफ्टिंग डबल चेन और फेस शेप में आता है ऐसा लिखा हुआ था उसमें, सो आई बॉट दिस। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नेट का फॉर्म है, क्या करना होता है आपको, इसको ऐसे लेना होता है, इसको ऐसा टाई करना होता है, बापड़े आई एम लुकिंग हॉरेबल, और यहाँ पे ना दो होल बने हुए हैं ये ऐसा, जो कि आप अपने ईयर्स जो ईयर है उसके अंदर डाल सकते हो, और ईयर जो आपको बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे दो कट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद ये ऐसा रहेगा, लग रही हूँ, तो ये ऐसा आप लगा के रख सकते हो, तो मेजरली आप इसको रात को 1 घंटा लगा के रखिए, या फिर उसमें लिखा था कि आप इसको रात भर लगा के सो जाइए, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दिस इज़ गोइंग टू बी, लेट मी ट्राई, आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। मैंने पिछले बार नोज़ का मंगाया था, नोज़ दैट थिंग नोज़ क्लिप, लॉट ऑफ देम वर आस्किंग मी दैट वो वर्क किया कि नहीं किया, वर्क किया बट बहुत नहीं किया, बट किया भी आई कैन से, उसको लगाने के बाद ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, लाइक ऐसा लगता है जैसे आपकी सांस रुक रही है, तो आप ज़्यादा देर तक उसको पहन नहीं सकते हो, आप फॉर 1 or 2 minutes उसको रख सकते हो फिर आप निकाल देते हो, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बहुत वंडरफुली वर्क किया, बट या थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ी सी नोज़ जो है आपकी हल्की सी शेप में आना स्टार्ट हो जाती है, तो यू कैन ट्राई इट, वैसे भी बहुत सस्ता था, 50-70 rupees का था, तो ट्राई देने में तो कोई बुरी बात नहीं, आराम से आप उसको ट्राई कर सकते हो। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई, और वो है ये
पेंसिल जो कि मैंने मंगाई थी, बट पेंसिल ना लिखती बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये ना टूट के आई है. लाइक ये जो पेंसिल है ब्लैक कलर की, जब मैंने प्रोडक्ट देखा था तो मुझे लगा कि 10 पेंसिल्स का पूरा बॉक्स आने वाला है, बट बॉक्स नहीं आया, सिर्फ ये एक पेंसिल आई. और ये एक पेंसिल 192 रुपीज़ की पड़ी है मुझे, और ये वो भी टूटी हुई मिली है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा. लेकिन ये पेंसिल ना चलती बहुत अच्छी है, लाइक नॉर्मल हमारी नटराज अप्सरा जो पेंसिल जो ब्लैक कलर की नॉर्मल चलती है ना, उससे ज़्यादा बेटर ये चलती है. बहुत जेट ब्लैक है, और मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कैसा है, मतलब बहुत ही अच्छा लिखता है. लाइक क्या बोलूँ इसको, लिखने में बहुत अच्छी है पेंसिल, सॉफ्ट स्मूथ सब सब कुछ है, कलर बहुत अच्छा आता है, ब्लैक कलर एकदम जैसे स्केच पेन टाइप्स, स्केच पेन से जैसा लिखता है उस टाइप का कलर दिखता है. और बट ये टूट के आई है तो मुझे काफ़ी बुरा लगा. तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस क्लब फैक्ट्री. अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा अपना जो सामान है ना वो अच्छे से भेजा करो, ऐसे टूट के आता है तो दिल भी टूट जाता है. एनी वेज, देन नेक्स्ट आइटम इज़ दिस, जो कि मैंने अपने फ़ोन के लिए मंगाया है. और ये है जो फ़ोन के बैक साइड में होता है ना लगाने के लिए, लाइक टू होल्ड, ये वो है. और इसको जब मैं इसका स्टिकर निकाल के इसको जब स्टिक करूँगी ऐसे, और फिर ये थोड़ा सा से बाहर आएगा, एंड देन आई कैन होल्ड इट लाइक सेल्फी वेल्फी लेने के लिए आई कैन यूज़ दिस. फ़ोन की हालत थोड़ी ख़राब है तो ये कुछ ऐसे लगाने के लिए है. एंड दिस इज़ इन मार्बल पिंक कलर, तो ये चीज़ है. एंड द लास्ट थिंग विच आई हैव आज के वीडियो के लिए वो है कि छोटा सा पासपोर्ट होल्डर. मुझे पासपोर्ट के लिए एक अच्छा सा छोटा सा ऐसे यू नो पाउच काइंड ऑफ चाहिए था, तो ये बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का है, और यहाँ पे छोटा सा बो बना हुआ है गोल्डन कलर का, और इसमें लिखा है माय जर्नी एवरीवेयर, आई लाइक टू ट्रैवल एंड आई विश कि फ्यूचर में मैं बहुत ट्रैवल करूँ और हमेशा अपना पासपोर्ट देखूँ तो मुझे अच्छा लगे. तो ये है मेरा पासपोर्ट रखने का, बहुत ही प्यारा पिंक कलर का है ये. तो ये है लास्ट प्रोडक्ट, बस इतनी चीज़ें थी. तो दैट्स इट गाइस, इतना चीज़ें थी. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. आप लोगों को इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. छोटा सा हॉल था क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं मंगाए, मुझे जो ठीक लग रहे थे मैंने वो मंगा लिए. आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, अगर आए हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर से सब्सक्राइब बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे. और अगर आप सब्सक्राइब करते हो नए हो मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट छोटा सा घंटी सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई वीडियो बनाऊँ कोई भी टॉपिक के ऊपर, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी टॉपिक, देन यू कैन जस्ट लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो. आप नीचे कमेंट कीजिए. एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू चेक माई प्ले लिस्ट ऑल्सो, जिसमें बहुत सारे आपको वीडियोज मिलेंगे. एंड मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो यू कैन गो एंड से हाई उसमें भी जाके, कमेंट से हाई टू मी. और मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो में बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड लक.